स्वामी जी, कान से जुड़ी एक बीमारी है टिनिटस, और ओल्ड एज में ये ज्यादा परेशान करती है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? टिनिटस के लिए 5 चीजें हैं, जरा गौर से सुनिए। आज एक तो लहसुन का तेल हम बताने वाले, बाकी रेडीमेड में सबसे अच्छा है, बिना तेल के हमने एक बहुत ही जबरदस्त औषधीय प्रयोग किया, उसका नाम है ईयर ग्रिड डलवाते हैं। दूसरा, कान के यहाँ लीच लगाते हैं और एक्यूपंक्चर करते हैं, और कान के लिए छोटी अंगुली और उसके पास अनामिका और कनिष्ठा के बीच में यहाँ से दबाते हैं, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और लीच, साथ में कर्णपूर जो आपको बताया, फिर उसके लिए ईयर ग्रिट वटी भी देते हैं ईयर ग्रिट ड्रॉप के साथ। पहले हमने सारीवाद्या, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन ये प्रयोग किया था, इससे भी कानों का बहना, बहरापन और टेनेटिस का जो आपने बताया, कर्णनाद कहते हैं इसको, टेनेटिस को आयुर्वेद में, ये कर्णनाद कोरोना के बाद तो बहुत लोगों को हो रहा है, और जिस जैसे ही कोरोना के समय लोगों ने एंटीबायोटिक, स्टीराइड, फिर वैक्सीनेशन ये सब लिया, उससे त्रिदोष और बढ़ गया, और उसका सबसे बुरा असर आँख, कान, गले पर हुआ, फेफड़ों पर हुआ, बहुतों के तो त्रिदोष बढ़ गए, और बहुतों को तो स्किन डिजीज़, किसी को न्यूरो प्रॉब्लम्स, किसी को हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें हुई हैं। तो उसके लिए जो आज उपाय बताए वो बहुत जरूरी है। अब देखो, एक ये है, एक इसमें कर्ण पीड़ासन बताते हैं, एक तो ये देखो, ये मत्स्यासन और एक कर्ण पीड़ासन, इसमें ये कान की बीमारी छोटी से लेकिन फिर कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं, कान में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तो इसलिए दर्शकों को ही बताते हैं, आपको ही बताना जरूरी हो जाता है। स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बेट द्वारका मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हैं, और मंदिर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुदर्शन सेतु का दौरा भी करेंगे। पीएम मोदी आज द्वारकाधीश मंदिर भी जाएंगे, इसके बाद पीएम मोदी राजकोट के लिए निकलेंगे, जहां पर 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। लेकिन बेट द्वारका, यहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ आप देख सकते हैं कि भगवान को भेंट भी चढ़ाने, जिसमें फूल है, उसके बाद पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र हैं, और अब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की परिक्रमा करते भी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही खास है, क्योंकि बेट द्वारका को द्वारका के जो मुख्य जमीन है उसके साथ जोड़ा जा रहा है, और ये देश की आप कह सकते हैं कि सबसे लंबी, जो तारों के जरिए, जो स्टील के तार हैं, स्टील की जो रस्सी है उसके सहारे जो ये पुल बनाया गया है, उसका शिलान्यास होगा, और ये आप समझ सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा, जिसको हम कह रहे हैं कि सस्पेंशन से बना हुआ ब्रिज है, यानी कि जो लोहे की तार है, उसके जरिए इस सस्पेंशन ब्रिज को तैयार किया गया है, जो देश का सबसे लंबा ब्रिज है, और ये सौगात दी गई है, क्योंकि लंबे वक्त से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और इसे कच्छ की खाड़ी में तैयार किया गया है, और इसके बन जाने से लोगों को बहुत ही सुविधा होगी। स्वामी जी,